और ये बुंदेला रिजॉर्ट बांधवगढ़ से अब हम बढ़ रहे हैं उज्जैन की ओर। उज्जैन महाकाल का दर्शन करना है और अभी यहाँ पे माइल मीटर है 24949 अप्रोक्सीमेटली आप ये 25,000। और हम लोग यहाँ से जो सफ़र है उज्जैन का उमरिया होते हुए वो 650 किलोमीटर का है, जो कि गूगल 12 घंटे का जर्नी दिखा रहा है 12.5 घंटे का। तो हम अभी बुंदेला रिजॉर्ट बांधवगढ़ से निकले हैं और यहाँ से उमरिया की ओर बढ़ रहे हैं और सागर होते हुए हम उज्जैन जाएंगे। ये खितौली गेट जहाँ पे कल हमने साइटिंग किया था और आज लोग कह रहे हैं जो बफर जोन है परासी गेट है आगे, वहाँ पे भी लोगों को बहुत सारी साइटिंग्स हुई हैं आज। बांधवगढ़ में टाइगर्स बहुत हैं, यहाँ पे साइटिंग अच्छी हो जाती है। फॉरेस्ट बहुत डेंस नहीं है और मौसम में भी पतझड़ का है तो दूर तक चूँकि विजिबिलिटी रहती है, यहाँ पे भी साइटिंग अच्छी हो रही है। और ये वही जंगल का रास्ता है जो कल जिससे उमरिया से हम आए थे, जब अमरकंटक से हम वापस बांधवगढ़ आ रहे थे तो इसी रूट को हमने रात में लिया था और ये दिन में भी अब इसी रूट से जा रहे हैं। ये मगधी गेट है, ये 3 गेट है यहाँ पे जिसपे कि एक्चुअली है तो बहुत सारे, सबसे शुरू में जो ताला गेट है जो कि पहले बहुत साइटिंग जो हमने गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ा था, बट अभी बहुत दिनों से ताला गेट पे साइटिंग नहीं हो रही है। उसके बाद है यहाँ पर खतौली गेट जिसपे कि साइटिंग अभी अच्छी हो रही है, जिसपे कि हमने भी कल साइटिंग करा है। और ये देखिए जो सफारीज है, जो जिप्सीज है, वो लोग अभी वहाँ से लौट रहे हैं। और इसके फिर ये जो मगधी गेट था यहाँ पे भी लोग अभी कह रहे हैं कि साइटिंग अच्छी होती है, अभी हो रही है। आज का मगधी साइट से किसी से बात नहीं हुई मेरी, इसलिए आज की साइटिंग हुई या नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऑलमोस्ट रोज मगधी खतौली गेट में साइटिंग हो रही है। आज जो आगे बफर जोन है परासी, ये देखिए आज सांबा ये रहे हैं, ये इसे डियर्स जो कि वो डियर उस बस, और ये सांबा है। तो ये पूरा जो है ये सारा खतौली गेट, ताला गेट और मगधी गेट, ये पूरे कोर में जाते हैं। मगधी में भी थोड़ा अंदर जाके आता है और परासी भी थोड़ा अंदर जाके है। खतौली गेट एकदम शुरू से ही कोर शुरू हो जाता है। यहाँ पे रात को से कल जब हम आ भी रहे थे तो हमने दिखाया पूरे रेंजर्स पूरे रास्ते पे रहते हैं ताकि किसी तरीके से भी स्पीड लिमिट भी इन्होंने 20 की सेट कर रखी है, दोनों जगह बैरिकेडिंग रहती है और आपको 40 मिनट में ये 10 किलोमीटर का अप्रॉक्सी स्ट्रेच है जो कि कवर करना होता है और उसमें लिमिट्स नहीं तो आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा। और अच्छा सड़क है ये जाने के लिए, यहाँ से आपको रास्ते में बस देखते चलिए कुछ। और ये उमरिया से कटना का है, अभी उमरिया से फ्लाईओवर के नीचे से हमने राइट टर्न लिया है और ये NH-43 पे आ गए जो कि ऑलमोस्ट आपको जैसे मैं बता रही ऑलमोस्ट 3 लेन सड़क है, 2 लेन के बाद दोनों साइड इंटच हो जाए तो ऑलमोस्ट ये 3 लेन सड़क हो जाती है। तो फिर चौड़ी सड़क है, ये ट्रैफिक नहीं है, RCC बहुत अच्छी बनी हुई सड़क है। तो इससे उस यहाँ से कटनी 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर्स ये आप देख भी पा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग इसी से बलपुर की ओर जाएंगे और उससे आगे फिर हम लोग उज्जैन जाएंगे। तो ये सड़क बहुत अच्छी है यहाँ से उस कटनी तक, फिर कटनी के बाहर बाहर ही हम आगे बढ़ेंगे जबलपुर की ओर और फिर सागर की ओर वहाँ से रिटर्न। हम NH-43 से कटनी तक पहुँचे, कटनी से फिर हमने एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके वहाँ पे फ्लाईओवर काम चल रहा था, फिर वो NH-43 पे लाकर हमें MP-14 पे मिलाया। ये रास्ता सागर होते हुए दमोह होते हुए उज्जैन जाएगी। सड़क पूरी 2 लेन है, ठीक ठाक सड़क है, जहाँ पे पैचेस है गड्ढे भरे हुए, लेकिन पैचेस की वजह से रफ है, सरफेस बहुत स्मूथ नहीं है, बट ठीक ठाक सड़क है, अच्छी नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक सड़क है। और इससे हम अभी आगे सागर तक जाएंगे।
SH14 से हमने लेन चेंज किया, हमें NH26A में आना था भोपाल पे। रास्ते में वहाँ पे जैसे टर्न लिया सागर कैंटोनमेंट एरिया या मिला, वहाँ से फिर पूरी सागर बुकिंग थी थोड़ी, शायद हम रास्ता कंफ्यूज है, गूगल ने हमें शायद शहर के अंदर घुसाया, बाहर से ज़रूर कोई सड़क होगी बट थोड़ा सा इसमें समय लैप्स हुआ। पर अब हम NH26A पे हैं, वो NH26A पूरी शहर के बीचों बीच से ही निकलती है तो उसी के थ्रू हमें नहीं, बट अब यहाँ से फोर लेन सड़क है। हम यहाँ वो NH26A से NH146 में मिले। थ्रू आउट सड़क बहुत अच्छी है, टू लेन है लेकिन ट्रैफिक कम है, सड़क बहुत अच्छी है। अब विदिशा पहुँच चुके हैं और विदिशा से जस्ट NH146 को छोड़ के SH8 में मिले हैं जो कि टू लेन सड़क है, बट सड़क आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी सड़क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बम्पी है, बहुत ज़्यादा रफ रोड है ये। देखते हैं सड़क कहाँ तक ऐसी रहती है। और यहाँ से महाकाल जो है उज्जैन का 229 किलोमीटर है। और ये हम भोपाल पहुंच चुके हैं, भोपाल आउटर से हमने भोपाल बाईपास लिया है जो कि NH86 है। और ये हमें देवास तक ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है NH86 पर ही। सड़क बहुत अच्छी नहीं है, सड़क पे जगह जगह पे गड्ढे हैं, पैचवर्क्स किया हुआ है, पर फोर लेन सड़क है। बहुत देरों बाद कोई फोर लेन सड़क मिला है और ऐसी सड़क मिली जिसमें ट्रैफिक भी है, अदरवाइज़ बाकी सब सड़क पे ट्रैफिक कम थी, यहाँ पे ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। ये हम NH86 जिसमें कि बहुत ही कन्फ्यूजन है क्योंकि गूगल सब जगह NH86 है और जो हाईवे के साइड में लिखा हुआ SH28 लिखा है, कहीं कहीं पे 18 था फिर SH28 हो गया। तो ये बस हम अब उस देवास बाईपास पे जा रहे हैं और ये NH52 पे उज्जैन यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। और बीच में एक हमें विदिशा भोपाल हाईवे के बीच में एक जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पे कुछ बना हुआ है बट कहीं कुछ था नहीं, बट मुझे ध्यान आया तो मैंने देखा वो एक बहुत अच्छा सा स्पॉट है जो कि आदमी वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ है, एक वाइट कलर का बोर्ड लगा है, हम देख सकते थे लेकिन हमें बहुत दिखा नहीं और हम उसे क्रॉस भी कर गए। और इस रास्ते में अगर आपको कहीं भी पेट्रोल डीजल लेना हो और आपके पास पतला वाला नोजल चाहिए तो 3-4 पेट्रोल पंप घूमना पड़ेगा आपको तभी मिलेगा, सब पेट्रोल पंप में पतले वाले नोजल्स हैं नहीं। अनुमान मैं रिलायंस में ही डीजल भरवाता हूँ बट यहाँ पे खोजने पर भी रिलायंस के पंप्स नहीं थे। जब हम सिहोरा क्रॉस किए उसके बाद से नए रिलायंस JioBP के पंप्स खुल रहे हैं। और हम ये उज्जैन इंटर कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर सा द्वार है। और ये हम पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन और ये उज्जैन का रेलवे का स्टाफ क्वार्टर।